गुड मॉर्निंग दोस्तों, द सीजीपीएससी कोच बिलासपुर एवं नामदेव केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अपन देखते हैं जनरली क्या होता है, जो बॉडी में एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ये प्लांट बॉडी में भी हार्मोन का सिक्रेशन होता है और आपका क्या होता है एनिमल बॉडी में भी होता है। ये जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है जनरली कहाँ से होता है, ग्लैंड से होता है भाई। किससे होता है? ग्लैंड से। अगर ह्यूमन बॉडी है तो ग्लैंड से होता है, अगर प्लांट बॉडी है तो पूरे प्लांट बॉडी के होल बॉडी में क्या होता है हार्मोन्स होता है और वहां से क्या होता है सिक्रेशन होता है। तो देखिएगा जनरली जो हार्मोन्स होता है वो एक प्रकार क्या होता है भाई, स्ट्राइड होता है। स्ट्राइड मतलब होता है उत्तेजित करना, जैसे कि अचानक हम बातें कर रहे हैं तो अचानक हमारे मतलब जो बात में भी क्या होता है एक उत्तेजनापन आ जाता है। वो जो उत्तेजनापन होता है ये ग्लैंड्स के कारण होता है। क्यों? क्योंकि ग्लैंड से एक प्रकार की केमिकल का सिक्रेशन होता है और वो जो केमिकल का सिक्रेशन होता है ये पूरे ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में क्या करता है फ्लो करता है और फ्लो करने के साथ साथ यही जो हार्मोन्स होता है हमारे बॉडी को क्या करता है वो कोऑर्डिनेशन करता है। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या करता है भाई, बैलेंस करता है। और ये जो बैलेंस करने का काम सिर्फ कौन करता है भाई, आपका हार्मोन्स करता है। और ये जो हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है ये ग्लैंड से होता है। जनरली उसी प्रकार से देखते हैं कि अगर प्लांट बॉडी में, अगर ये प्लांट बॉडी का जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है ये प्लांट बॉडी के सूट अपेक्षा से होगा, रूट अपेक्षा से होगा आपका, और एक तो आपका क्या होता है आपका स्टेम के बीच से होता है। ये हार्मोन्स का क्या होता है सिक्रेशन होता है, जिससे प्लांट बॉडी का क्या होगा भाई, आपका ग्रोथ होगा, फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, लीफ का फॉर्मेशन होगा, फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। उसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी में क्या होता है भाई, आपका ग्लैंड्स होगा और ये जो ग्लैंड से ही हार्मोन का क्या होता है सिक्रेशन होता है। अगर सिंपल शब्द में अपन बोले तो हार्मोन्स को सर्वप्रथम थीमेन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और हार्मोन शब्द का अर्थ है स्टिमुलेटिंग करना, स्टिमुलेटिंग मतलब उत्तेजित करना या उत्तेजना करना। या हार्मोन्स एक प्रकार के क्या होते हैं, रसायन केमिकल्स है जिसका स्राव बहुत कम मात्रा में होता है और ये शरीर के ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में क्या होता है संचार होता है। और पर्टिकुलर ये जो हार्मोन्स होता है अपने टारगेट कोशिकाओं को ही उत्तेजित करता है, बल्कि दूसरे कोशिकाओं को ये उत्तेजित नहीं करता। तो देखते हैं कि हमारे शरीर में कहां कहां पास ग्लैंड्स है और उस ग्लैंड्स से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है और जनरली उस ग्लैंड को किस नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं भाई अपन ग्लैंड्स को। ये देखिएगा एक ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले जो यहां पास ग्लैंड्स होता है इसको कहते हैं अपन पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं। कौन से ग्लैंड कहेंगे भाई? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी ग्लैंड्स को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। जब कंट्रोल करता है इस कारण इसको अपन क्या कहते हैं भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए भाई स्कूल में एक टीचर है, वो टीचर देखिएगा दसवीं तक गणित भी पढ़ा देता है, हिंदी भी पढ़ा देता है, संस्कृत भी पढ़ा देता है, समाज विज्ञान सभी सब्जेक्ट पढ़ा देता है। इस कारण वहां के गुरुजी को अपन क्या कहते हैं भाई, मास्टर कहते हैं। क्लियर हुआ? मतलब वो सभी बच्चों को सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और सब बच्चों को क्या कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है। उसी प्रकार से ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है, जितने भी ग्लैंड्स होता है वो सबको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। इस कारण इसको क्या कहते हैं भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं। क्लियर हुआ? इसको मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं भाई। फिर ये जो मास्टर ग्लैंड्स जस्ट लगा हुआ ये यहाँ पास होता है आपका पिनियल ग्लैंड्स होता है। कौन सा ग्लैंड होता है भाई? पिनियल ग्लैंड्स। ये जो पिनियल ग्लैंड्स होता है ये पिनियल ग्लैंड्स को अपन बायोलॉजिकल क्लॉक के भी नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? बायोलॉजिकल क्लॉक। ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिना थके 24 आवर्स मतलब 24 घंटे काम करता रहता है। क्यों? क्योंकि जब हम रात में सोते हैं तब भी ये काम करता है, दिन में जगे रहते हैं तब भी काम करता है। इस कारण ये जो पिनियल ग्लैंड्स होता है इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। ये जो पिनियल ग्लैंड का सिक्रेशन रात में ज्यादा होगा और दिन में क्या होता है इसका सिक्रेशन कम होता है,
क्योंकि हमारे बॉडी का रंग रूप को जो निर्धारण करता है, जो पिगमेंट्स को, जैसे कि हम काले हैं या गोरे हैं, इन सब का जो निर्धारण करता है वो कौन करता है, आपका पीनियल ग्लैंड्स करते हैं। जनरली देखिएगा आजकल मार्केट में क्या होता है, पीनियल ग्लैंड से संबंधित एक टैबलेट भी आता है, जो लोगों को क्या होता है, जैसी मम्मी अगर मान लीजिए प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के समय बोलते हैं कि हमारे बच्चे को गोरा चाहिए, तो गोरा होने के टैबलेट्स आता है जिसको कहा जाता है आपका पीनियल ग्लैंड से संबंधित होता है, क्योंकि इसका सिक्रेशन कम हुआ तो बच्चा गोरा होगा, अगर इसका सिक्रेशन ज्यादा हुआ तो बच्चा क्या होता है, काला होता है। ये पूरा किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, आपका पीनियल ग्लैंड के ऊपर होता है, जिससे एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिससे जानते होंगे आपका मिलेनिन बोलते हैं, मिलेनिन मतलब मिलेनोसाइट्स, मतलब ये संबंधित रहता है आपका कलर से होता है या पिगमेंट से होता है। फिर इसके बाद देखते हैं इस पिट्यूटरी ग्लैंड से लगा हुआ यही पास होता है आपका हाइपोथैलेमस होता है। क्या होगा भाई, हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये शरीर के ताप दाब के साथ साथ मनोभावना को भी समझता है। जैसे कि मान लीजिएगा हम किसी से भी बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे बातें होती हैं जो अट्रैक्शन होती है, मतलब समलैंगिक को प्रदर्शित करती है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो रिप्रेजेंट करता है, या खाना पीना सोना उठना जगना ये सबको जो रिप्रेजेंट करता है वो कौन करता है भाई, हाइपोथैलेमस करते हैं। लेकिन ये जो हाइपोथैलेमस क्या होता है, देखिएगा पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होता है ये सभी ग्लैंड्स को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, लेकिन इस पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन क्या कर दिए, मास्टर ग्लैंड। अब ये मास्टर है मतलब गुरुजी है, तो इसको कंट्रोल कौन करता है, प्रिंसिपल करता है, लेकिन जब घर आता है तो मतलब मास्टर को कौन कंट्रोल करता है, उसकी बीवी करती है। तो उसी प्रकार से इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला कौन होता है भाई, हाइपोथैलेमस होता है। क्लियर हुआ, देखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड्स मतलब मास्टर ग्लैंड्स हो गया, ये सभी ग्लैंड्स को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, लेकिन इस पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करने वाला कौन होता है भाई, हाइपोथैलेमस होता है। क्लियर हुआ। फिर इसके साथ साथ देखते हैं यही पास से जैसे देखते हैं, फिर ये तो हो गया ब्रेन के पास, फिर यहां से आते हैं अपन गले के पास आते हैं। ये जो गले के पास अपने पास दो ग्लैंड्स होता है, एक होता है अपन थायराइड, ये थायराइड्स ग्लैंड्स होता है। ये देखिएगा ये जो थायराइड्स ग्लैंड्स होता है ये सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, मतलब शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। जब ये शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि होगा तो घर का भी सबसे बड़ा कौन होता है, माता। माता मतलब क्या होता है भाई, आपका फीमेल होगा, और इसी कारण ये जो फीमेल्स होती है इन सभी में, जितने भी फीमेल्स होगा इन सभी में जो थायराइड ग्लैंड्स होता है ये लार्जेस्ट होता है। थायराइड ग्लैंड क्या होता है भाई, लार्जेस्ट होता है। इस कारण हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होगा वो कौन होता है भाई, आपका थायराइड ग्लैंड्स होता है। ये क्वेश्चन को कई बार पूछ चुका है कि सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन होगा भाई, आपका थायराइड ग्लैंड्स होगा। और पूछता है ये जो थायराइड ग्लैंड्स होता है इसमें बड़ा होता है, तो जनरली ये जो फीमेल्स होता है इसमें थायराइड ग्लैंड क्या होता है, बड़ा होता है। और ये जो थायराइड ग्लैंड्स होता है ये मेटाबोलाइज्म में संबंधित ग्लैंड्स होता है। किससे संबंधित होता है भाई, मेटाबोलाइज्म। मेटाबोलाइज्म मतलब उपापचय से संबंधित ये ग्लैंड्स होता है। क्लियर है। फिर ये जो थायराइड ग्लैंड होता है फीमेल में बड़ा रहेगा और मेल में क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन ये जो थायराइड ग्लैंड्स होता है इसकी जो एक्टिविटी होता है ये प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, ज्यादा होता है। और जैसी प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा होता है तो हमारी जो मेटाबोलाइज्म की दर होती है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है। तो इसके बाद देखते हैं भाई ये जो थायराइड ग्लैंड्स होता है ये ग्रोथ संबंधित हार्मोन्स है और मेटाबोलाइज्म संबंधित। फिर देखते हैं यही से देखते हैं कि ये थायराइड के अंदर के, जैसे कि मान लीजिएगा ये हमारा ट्रेकिया हुआ, ये क्या हुआ आपका थायराइड ग्लैंड्स हुआ, ये जो थायराइड ग्लैंड्स के अंदर के मटर के दाने के समान ग्लैंड्स होता है। ये देखिए छोटा छोटा आप लोगों को दिख रहा होगा, ये दो पेयर्स में दिख रहा है, ये जो दो पेयर्स में होता है जैसे ये देखिएगा, ठीक है, ये जो दो पेयर्स में होता है इसको कहते हैं अपन पैराथायराइड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पैराथायराइड। ये जो पैराथायराइड ग्लैंड्स होता है ये शरीर में जनरली क्या होता है, शरीर में मतलब कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है भाई, मेंटेन करता है। और जब शरीर में कैल्शियम की मात्रा को मेंटेन करता है इसके साथ साथ ये शरीर के तापमान को भी मेंटेन करता है। क्लियर हुआ।
ये जो पैराथायराइड ग्लैंड्स होता है इससे एक हार्मोन निकलता है जिसे कहते हैं पैराथार्मोन। उस पैराथार्मोन को काली हार्मोन्स भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं भाई ऐसा? क्योंकि शरीर में कैल्शियम की मात्रा को भी नियंत्रण करता है। अगर ये शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण नहीं करता तो देखिएगा जो बच्चे रहते हैं, बच्चे अगर छोटे हैं 1 साल के हैं तो जनरली मिट्टी को खाते हैं। क्यों मिट्टी को खाते हैं? क्योंकि उसके शरीर में कैल्शियम की मात्रा की क्या होती है? कमी होती है। इसी कारण बच्चे मिट्टी को क्या करते हैं? खाते हैं। तो वो मिट्टी को ना खाए इसलिए उन लोगों को कैल्शियम का टेबलेट दिया जाता है ताकि कैल्शियम का भरपाई क्या हो, वो अधिक हो। क्लियर हुआ? इसके बाद देखते हैं फिर जैसे नीचे आते हैं ये देखिएगा ये हमारे बॉडी का स्टर्नम होता है। क्या होगा भाई? ये स्टर्नम है। ये जैसी स्टर्नम है ये जो स्टर्नम और यहाँ पास हमारा छोटा सा क्या होता है? हार्ट होता है। तो सबको पता है भाई हार्ट। ठीक, ये जो हार्ट हो गया और ये जो हड्डी जिसको ये वाला हड्डी बोलते हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ये कहलाता है हमारा स्टर्नम कहलाता है। यही स्टर्नम के पास अब हार्ट से लगा हुआ एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं अपन थायमस ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? थायमस ग्लैंड कहते हैं। ये जो थायमस ग्लैंड होता है ये शरीर का सबसे बड़ा प्रतिरोधक क्षमता होता है। मतलब ये शरीर का सबसे बड़ा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। आपको पता है ये जो थायमस ग्लैंड होता है ये बच्चों में बड़ा होता है और बुजुर्गों में धीरे धीरे क्या जाता है? वो समाप्त हो जाता है। क्यों? कि जो बच्चा जब ज्यादा रहता है तो उसके बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम क्या होती है? ज्यादा रहता है, स्ट्रांग रहता है बच्चों में। इस कारण बच्चे कूड़े कचरे कहीं भी खेलते रहते हैं, बच्चों का अगर चोट भी लग जाता है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें थायमस ग्लैंड क्या होता है? लार्जेस्ट होता है, बड़ा होता है। और जब बड़ा होने के कारण क्या होता है, इसमें जब चोट लगता है तो बच्चों में क्या हो जाता है? वो जल्दी ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन क्या होता है? अधिक होता है। और बुढ़ापा में धीरे धीरे क्या हो जाता है? ये समाप्त हो जाता है। इस क्वेश्चन को भी कई बार पूछ चुका है, जनरली पूछता है कि ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो बुढ़ापा आते आते समाप्त हो जाता है? तो कौन सा ग्लैंड होगा भाई? आपका थायमस ग्लैंड होगा। फिर इसके बाद देखते हैं अपन धीरे से आते हैं पास, तो यहाँ पास अपने को मिलता है क्या? मिलता है आपका पैंक्रियास रहता है। क्या रहता है भाई? आपका पैंक्रियास। तो पैंक्रियास पता है कि सबको पैंक्रियास क्या कहते हैं भाई? आपका मिक्स ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मिक्स ग्लैंड। लेकिन ये शरीर का दूसरा बड़ा मतलब सेकेंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके साथ साथ इसको बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं। इस कारण ये जो पैंक्रियास होता है ये जो पैंक्रियास होगा इसको मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। क्यों मिक्स ग्लैंड कहा जाता है ये? क्योंकि ये बाह्य स्रावी ग्रंथि भी है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। इस कारण इसको क्या कहते हैं भाई? मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। देखिएगा ये जो मिक्स ग्लैंड होता है, जो पैंक्रियास होता है, ये शरीर का दूसरा बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। लेकिन ये शरीर पे क्या होता है, जितने भी जो जैसे कि मान लीजिए जैसे ये अल्फा सेल है, अल्फा सेल से ग्लूकागन हार्मोन का स्राव हो रहा है, बीटा सेल से क्या हो रहा है? इंसुलिन हार्मोन का स्राव हो रहा है। मतलब इस शरीर में ग्लूकोज और ब्लड में मतलब शक्कर की मात्रा को क्या करता है? ये नियंत्रण करता है। क्लियर हुआ? आगे इसका और डीप से पढ़ाएंगे जितने भी ग्लैंड है सबका। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहीं से नीचे आते हैं तो यहाँ पास होता है हमारा लीवर होता है। क्या होता है भैया? हमारा लीवर। तो लीवर आपको पता है भाई ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आता है, मतलब बाह्य स्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है। क्योंकि शरीर का सबसे जो मेन पावर होता है वो लीवर होता है। क्या होता है भाई? लीवर। आपको सबको पता है कि अगर दारू पियोगे तो लीवर क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो आप अगर मान लीजिएगा और लीवर मतलब जो लीवर पे एल्कोहल क्या होता है, मतलब वहां पर डाइजेशन नहीं होता। क्लियर है? मतलब वहां पर क्या होता है? वो डिग्रेडेशन तो करता है, तोड़ता है। इसी कारण लीवर पे यूरिया का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब दारू पीते हैं तो हमारा लीवर ही क्या होता है? खराब होता है। ये शरीर का क्या होता है भाई? आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे लार्जेस्ट है और ये ग्लैंड्स में सबसे बड़ा है। मतलब अंग में अगर पूछें तो सबसे बड़ा अंग हो जाएगा भाई आपका लीवर हो जाएगा, जो आपको सबको पता है 1.5 kg मतलब 1.5 किलो का होता है। फिर देखते हैं यही पास होता है आपका, फिर देखते हैं यही बात देखिएगा ये अगर जो फीमेल है ठीक है और ये क्या भाई आपका ये मान लीजिएगा मेल का है, तो मेल में जनरली देखते हैं अपन टेस्टिस देखते हैं। क्या देखते हैं भाई? टेस्टिस।
ये जो टेस्टिस होता है मतलब उसको कहते हैं हम ब्रिसार कहते हैं। ये जो टेस्टिस होता है ये भी मिक्स ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड होता है आपका? ये मिक्स ग्लैंड होता है, क्योंकि आपको पता है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है मिक्स ग्लैंड में कौन कौन से ग्लैंड आता है। तो पहला होता है आपका पैंक्रियास होगा, दूसरा होगा आपका टेस्टिस, और तीसरा होता है ये ओवरी होता है। क्या होगा भाई? ओवरी। ये देखिएगा ये जो तीनों ग्लैंड होता है ये तीनों ग्लैंड क्या होता है भाई? मिक्स ग्लैंड होता है। जैसे पहले मैं आप लोगों को बताया पैंक्रियास मिक्स ग्लैंड, टेस्टिस ये भी बताया आप लोगों को मिक्स ग्लैंड, और तीसरा होगा जिसको क्या कहते हैं भाई? ओवरी। ये जनरली क्या होता है? फीमेल में होगा, इसको भी अपन क्या कहते हैं? मिक्स ग्लैंड कहते हैं। ये जो ओवरी होता है, ये जो ओवरी की संख्या मतलब जनरली क्या होता है? वन पेयर होता है, और इसी पेयर से मतलब हार्मोन का क्या होता है? सिक्रेशन होता है। जनरली जैसे देखिएगा ये ओवरी से दो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ठीक है? एक होता है आपका एस्ट्रोजन और दूसरा होता है आपका प्रोजेस्टेरोन होता है। क्योंकि यही दो हार्मोन का जब सिक्रेशन होता है तो फीमेल में क्या होता है भाई? मैचुरेशन साइकिल आता है। और आपको पता है कि मैचुरेशन साइकिल 12 से 13 साल के बाद ही आता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसके में मैचुरेशन साइकिल क्या हो जाता है? वो जल्दी आ जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा 10वीं के पुस्तक में कि पेरू नामक देश में एक 5 साल की बच्ची क्या बन गई थी? माँ बन गई थी। उसका रीजन यही है कि उसके बॉडी में जो ओवरी था वो जल्दी डेवलपमेंट कर लिया, और जल्दी डेवलपमेंट करने के पश्चात उसमें मैचुरेशन साइकिल आना क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। क्लियर हुआ? लेकिन इससे जो दो हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, याद रखिएगा जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को पूछ चुका है कि न्यूट्रिशन का प्रोवाइड कौन करता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। क्लियर हुआ? और यही जो दो हार्मोन्स है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये हार्मोन दोनों हार्मोन का सिक्रेशन अधिक होता है, जब अधिक होता है प्रेगनेंसी के दौरान, इस कारण प्रेगनेंसी के दौरान मैचुरेशन साइकिल नहीं होता। किंतु अगर यही दो हार्मोन का सिक्रेशन अगर कम हो गया तो मैचुरेशन साइकिल क्या हो जाता है आपका भाई? वो प्रारंभ होता है। लेकिन ये जो मैचुरेशन साइकिल होगा ये 45 ईयर्स के बाद क्या हो जाता है? धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है। फिर देखते हैं टेस्टिस। तो टेस्टिस मतलब पता है आपको लड़कों में होता है, ब्रिसर कहते हैं, जो शरीर के कहां होता है? बाहर होता है। और शरीर के बाहर इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो टेस्टिस का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। जब टेस्टिस का टेम्परेचर कम रहता है इस कारण वो शरीर के बाहर लटका रहता है, और जब शरीर के बाहर लटकता है इसी कारण क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर और टेस्टिस का टेम्परेचर इक्वल रहेगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। और ये जो टेस्टिस होता है वहां से एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है टेस्टोस्टेरोन होता है, जो स्पर्म का क्या करता है भाई? फॉर्मेशन करता है। देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिएगा ग्लैंड से संबंधित आपसे पूछा कि शरीर का सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सा? तो सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन दिख रहा है अपने पास? थायराइड ग्लैंड्स। अब पूछा आपसे कि थायराइड ग्लैंड्स किसमें बड़ा होता है? तो थायराइड ग्लैंड किसमें बड़ा होगा भैया? आपका फीमेल में बड़ा होगा। इसी प्रकार से यहां से एक और क्वेश्चन बनता है आपका, ये जो यहाँ पास है मान लीजिएगा ये हमारा क्या हुआ? किडनी। और किडनी के ऊपर में जो ग्लैंड्स होता है जिसको कहते हैं अपन एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई उसको? एड्रीनल ग्लैंड्स। ये देखिएगा इसको भी, ये जो आपको दिख रहा है ये एड्रीनल ग्लैंड्स है। ये देखिएगा ये जो एड्रीनल ग्लैंड्स होता है ये स्ट्राइड ग्लैंड्स होता है। स्ट्राइड मतलब होता है उत्तेजित अवस्था। कैसे उत्तेजित अवस्था होगा? मान लीजिएगा हम अभी सामान्य कंडीशन में पढ़ा रहे हैं, ठीक, कोई बच्चा अचानक हैवी क्वेश्चन कर दिया तो जो टीचर्स होते हैं उसकी जो मनोभाव ना होता है वो बढ़ जाता है, मतलब उसकी शरीर क्या हो जाता है? स्टिमुलेटिंग अवस्था में आ जाती है, उत्तेजित अवस्था पे आ जाता है। और जब उत्तेजित अवस्था पे आ जाता है तो गलत भी काम कर सकता है। इस कारण ये जो एड्रेनल ग्लैंड्स होता है इसको स्ट्राइड ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। इसके दो भाग होते हैं जनरली, जैसे देखिएगा बाहर के भाग को अपन क्या कह देते हैं भाई? कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर के भाग को इसका क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। क्योंकि यही जो एड्रेनल ग्लैंड्स होता है इसके जो दो भाग होता है कॉर्टेक्स और मेडुला, जिससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हार्मोन का क्या होता है? सिक्रेशन होता है। क्लियर हुआ? अब इसे देखिएगा कैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपसे पूछा
कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है ये स्मॉलेस्ट है, लिखेगा सबसे छोटा है, क्या है भाई, सबसे छोटा है। और छोटा होने के कारण ये जितने भी ग्लैंड्स हैं शरीर में इन सबको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इसी कारण इस पिट्यूटरी ग्लैंड्स को अपन क्या करते हैं, मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। लेकिन ये मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला कौन होगा भाई, हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल करता है इसको, हाइपोथैलेमस। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि लैंगिक जनन को जो प्रदर्शित करता है वो कौन सा ग्लैंड्स होगा, तो कौन सा ग्लैंड होगा दोस्तों, हाइपोथैलेमस होगा। क्लियर हुआ? फिर अगर पूछा आपसे कि भाई मम्मी प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चा हुआ वो गोरा हुआ, तो गोरा होना कौन से ग्लैंड के कारण है, अगर पूछ चुका तो आपसे पता होना चाहिए कौन सा ग्लैंड है भाई आपका, पीनियल ग्लैंड्स होता है। कौन सा ग्लैंड होगा भाई, पीनियल ग्लैंड्स बोलते हैं। ये जो पीनियल ग्लैंड्स होता है इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक। क्यों? क्योंकि ये 24 आवर काम करता है, मतलब बिना थके मादे। जैसे रात में किसी को आप लोग सपना देखते होंगे, लड़की होगा तो लड़का को देखता है, क्लियर है, मतलब कोई किसी को भी सपना देता है, कुछ भी आ सकता है सपना में। वो जो सपना होता है वो किसके कारण होता है, पिनियल ग्लैंड्स के कारण होता है, क्लियर है। फिर इसके बाद देखते हैं, फिर इसके बाद नीचे आते हैं, ये थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को मैं आपको पहले बता दिया, शरीर का सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, ये थायराइड ग्लैंड्स होगा। ये थायराइड ग्लैंड जनरली किसमें होता है आपका, फीमेल में बड़ा होता है और मेल में क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन ये थायराइड ग्लैंड का जो एक्टिविटी होता है ये मेटाबोलाइज्म के दौरान क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और मेटाबोलाइज्म कब बढ़ता है, जब मम्मी क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ही मेटाबोलाइज्म की दर क्या हो जाती है, इंक्रीज होता है, क्लियर है। इसी कारण जनरली देखिएगा 1 मंथ 2nd मंथ का जब प्रेगनेंट रहते हैं तो ओमटिंग का प्रोसेस आता है, ओमटिंग का। ये किसके कारण होता है, क्योंकि मेटाबोलाइज्म की दर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फिर इसके बाद देखते हैं इसी से संबंधित, देखिए इसके नीचे से इसके ऊपर मटर के दाने के समान जो संरचना होता है, ये संरचना को अपन जाते हैं पैराथायराइड्स कहते हैं। ये जो पैराथायराइड्स होता है इसे एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसे कहते हैं पैराथार्मोन, इसे कालिप हार्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये रक्त में शरीर के और कैल्शियम के मात्रा को नियंत्रित करता है, इस कारण इसको कालिप हार्मोन्स कहते हैं। मैं पहले भी बता दिया था कि जिस बच्चे में कैल्शियम की कमी होती है, अगर वो बच्चा 1 मंथ या दो, मतलब मान लीजिएगा 1 साल 2 साल का बच्चा, अगर कैल्शियम की कमी होती तो बच्चा क्या खाता है, मिट्टी खाता है। तो उस बच्चे को अपन टेबलेट खिलाया जा सकता है कैल्शियम की मात्रा से, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर बच्चे को मिट्टी खा रहा है तो उसके शरीर में किसकी कमी है भाई, कैल्शियम की कमी है। और वो कैल्शियम की भरपाई कौन करता है, तो आपका पैराथायराइड ग्लैंड्स करता है। फिर इसके साथ साथ देखते हैं यही से आते हैं, ये देखिएगा स्टर्नम दिख रहा और ये हमारा छोटा सा क्या होता है, हार्ट। ये हार्ट और स्टर्नम से लगा हुआ क्या होता है आपका, थायमस ग्लैंड होता है। ये जो थायमस ग्लैंड्स होता है ये शरीर का सबसे बड़ा एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा, एंटीबॉडीज का। ये जो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है यही एक ग्लैंड्स है जो बच्चों में क्या होता है, बड़ा होता है और बुढ़ापा में धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो ग्लैंड्स होता है जब बच्चा छोटा रहता है इसका जो सिक्रेशन होता है वो बहुत तेजी से होता है और शरीर में एंटीबॉडी का क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है। क्लियर हुआ? फिर सेकंड देखते हैं, फिर यहीं से लगा हुआ देखिएगा यहाँ पास आपका एड्रिनल ग्लैंड्स होता है। ये जो एड्रिनल ग्लैंड्स होता है इसको स्ट्राइड ग्लैंड्स के भी नाम से जाना जाता है, मतलब उत्तेजित अवस्था, मतलब ये हमारे शरीर में क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है, इस कारण इसको क्या कहते हैं भाई, एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। फिर इसी से संबंधित नीचे आते हैं कि दिख रहा है आप लोगों को पैंक्रियास। ये जो पैंक्रियास होता है जिसको अपन हिंदी में कहते हैं अग्नाशय कहते हैं। ये जो अग्नाशय होगा ये शरीर का दूसरा बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, लेकिन इसको ये एंडोक्राइन ना बोल के इसको अपन मिक्स ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बाह्य स्रावी ग्रंथि होता है और अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, इस कारण इसको अपन क्या कहते हैं भाई, मिक्स ग्लैंड्स कहते हैं। फिर इसके बाद नीचे आते हैं तो अगर फीमेल में बॉडी के अंदर रहता है इसे क्या कहते हैं भाई, ओवरी कहते हैं। ये जो ओवरी होता है इसको भी मिक्स ग्लैंड कहते हैं। ये जो मिक्स ग्लैंड ओवरी को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो हार्मोन का सिक्रेशन करता है, क्या करता है आपका, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसलिए मिक्स ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये जब हार्मोन का सिक्रेशन होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का, तो फीमेल में दाढ़ी मूंछ नहीं आता,
लेकिन जो एक और हार्मोन होता है जो एंड्रोजन होता है, जो मेल में रहता है, फीमेल में भी रहता है, जो इनएक्टिव कंडीशन पे होता है, मेल में भी इनएक्टिव कंडीशन होता है, लेकिन जब 45 साल 47 साल के बाद होता है ये हार्मोन का सिक्रेशन होने लगता है तो देखिएगा दाढ़ी मुछ आ जाता है, किसमें, दादियों के में। फिर इसके बाद होता है टेस्टिस, तो टेस्टिस को भी मिक्स ग्लैंड कहते हैं, इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। तो जो भी आपको डाउट होगा दोस्तों इस ग्लैंड से संबंधित में, वो हमसे कॉन्टेक्ट नंबर में कर लीजिएगा, द सीजीपीएससी कोच के नीचे लिखा हुआ है, उन दोनों नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करिए, और जितना हो सके आप इसको लाइक और कमेंट्स करिएगा और शेयर करिए अपने दोस्तों से, जो भी डाउट रहिएगा वो हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।